नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुषमा योगी। अभिनेता पहलवान और अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रधान रहे स्वर्गीय दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह ने अब जाट आरक्षण के पक्ष में खड़े हो गए हैं। बहादुरगढ़ में उन्होंने कहा कि जाटों को एकजुट होकर लाखों की संख्या में दिल्ली आकर सरकार से बात करनी चाहिए। देखो, आपको समझ में, जाट जो है वो बहुत ही अच्छे सीधे साफ दिल के लोग होते हैं और डैडी भी जाट सभा के सबसे बड़े अध्यक्ष थे। जाट क्या है, हमारे कभी कभी आपस में सारे एकजुट नहीं होते, ये हमारे जाटों में प्रॉब्लम है। जिस दिन सारे एकजुट हो जाएंगे फिर कोई इन्हें रोक नहीं पाता। तो डैडी के टाइम पर ये लोग सब एकजुट हो गए थे अच्छी तरह, सारे संगठन जितने भी जाटों में हैं पूरे इंडिया में एक हो गए थे। और मुझे लगता है अभी फिर से एक बार उनको एक करके और समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है आरक्षण जो है वो देश में होना चाहिए एग्जैक्ट प्रॉपर, या हमारे कंट्री के अंदर जो चल रहा है आरक्षण आई थिंक वो राइट नहीं है। स्पेशली जो गरीब है और मतलब जिसको ज़रूरत है वो उनको पक्का ही मिलना चाहिए, या फिर किसी को भी ना मिले सिर्फ पढ़ाई में मिले, सोचना पड़ेगा। बड़ा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है, मुझे लगता है सरकार भी हमेशा पागल होती जा रही है। पर हमें गलत लगता है जब हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिले और दूसरे को मिल जाती है, तो लगता है ये गलत हुआ हमारे साथ। तो ये समझ के बाहर है ये चीज़ें। अब एक बार मोदी जी से वैसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हम सबको कि ये इसे फेयर करें। मंच है आप करिए ना। बिल्कुल नहीं, हमारी तो रिक्वेस्ट है और यानी देखें कुछ ना कुछ हम सोचेंगे इसके बारे में, एक साथ मिल के हम सब, यानी बहुत ज़रूरी है सारे के साथ एक साथ हो जाए और तोड़ फोड़ ना करें। तोड़ फोड़ करना और पब्लिक की प्रॉपर्टी को तंग करना ये तरीका नहीं है एक आरक्षण मांगने का, ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है अगर आपको करना है तो एक बार जाट जैसे सारे के साथ गांव के जाट सारे के सारे जाट मिल जाएं, चल के जाएं, उसमें भी सोचें कि संडे के दिन पे जाएं, ट्रैफिक जैम भी नहीं हो, लोग इनकन्वीनियंस हो, सीधा जाके कैपिटल में जाएं और हज़ारों लाखों साथ में जाएं। ताकि वो मराठा में मराठास ने किया है बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी तरीके से बोला कि हमें चाहिए आरक्षण। वैसे वो सिस्टम है। अब जाटों का जरा पारा ज़रा गुस्सा वाला है जब बहुत सारे मिल जाते हैं और फिर उनको गुस्सा ज़्यादा तोड़ फोड़ हो जाती है। तोड़ फोड़ करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं साथ में जुड़ूंगा ऐसी चीज़ों में तो मुझे तो बहुत अलग तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए हमें मिले भी और राइट भी हो। हम लोग अभी आजकल एक प्ले, जब मैं पहली बार देखो अपने कभी ज़िंदगी में थिएटर में एक्टिंग नहीं की थी, टीवी में एक्टिंग करना बहुत ईजी है, पिक्चर में एक्टिंग करना बहुत ईजी है। कुछ गड़बड़ हो गई एक और ले लिया, टीवी में भी हो गया तो एक और ले लिया, पर स्टेज पर जब आप एक्टिंग करते हो तो वो एक अलग ही दशा है और अलग ही मज़ा है उसका। पहली बार मैंने एक प्ले किया है हेलो डार्लिंग, और वो प्ले हम लोग हर जगह कर रहे हैं, जयपुर में किया सैटरडे को, संडे को दिल्ली में किया। तो जब स्टेज पे हम एक्टिंग करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, उसका एक अलग ही मज़ा है। फिर अभी एक शो आ रहा है चंद्रकांता, उसमें एक रोल की बात है जो शायद मैं वो करूँ, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी साजिद ने डायलॉग बोल रहा है, एक पिक्चर आ रही है तो जो मैं दे रहा हूँ। देखो क्रिकेट की बात करता हूँ, 4 साल पहले हमारे पर एक आरोप लगा था झूठा था, जिस दिन वो लग गया मैं कहा भाई कसम खाता हूँ आज के बाद मैं बॉल नहीं देखूंगा ऐसी की तैसी क्रिकेट की। 4 साल हो गए मैं तो देखा नहीं, तो मुझे पता तक नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, क्योंकि ये गलत है। आप एक गेम है जो आपको बहुत इंजॉय करते, सारा इंडिया बचपन से क्रिकेट खेलता है, मैंने भी बहुत क्रिकेट खेला था, मैं सारे क्रिकेटर्स का फ़ैन था, बहुत प्यार करता था गेम से। अब थोड़ा बहुत उसके ऊपर बेट लगा देंगे हमारे पैसे, मैं उसको कुएँ में फेंकूँ, मैं दारू पीऊँ या क्रिकेट में फेंक दूँ, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन लोग उल्टे पुलटे आरोप लगा के जब तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश करते तो बड़ा गुस्सा आता है। और जाट है, सोच लिया एक बार कि आज के बाद नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। दारू पी गए और सबको ट्वीट नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल ट्विटर बहुत आई थिंक अच्छा काम कर रहा है। रात को भी नहीं करना चाहिए 12 बजे, हाँ 12 बजे के बाद भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, सोच समझ के करना चाहिए। हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको राइट टाइम पे ट्विटर पे आप सही चीज़ बोलो, जैसे हमारा हम चाह रहे हैं कुछ बेटर हो तो हम ट्वीट कर सकते हैं, और वो एक बार चले गया तो हमेशा के लिए वही रहेगा, अनलेस आपने खुद डिलीट कर लिया।